दोस्तों आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो मुझसे ठीक आज से एक साल पहले 31 मार्च 2022 को हुई थी। तो दोस्तों बने रहे ब्लॉग में। दोस्तों ठीक आज से एक साल पहले मैंने अपनी मम्मी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दोस्तों मैं शाम के टाइम 8:30 to 9 मेरे दोस्त मुझे लेने के लिए आते हैं और उनके साथ जाने लगता हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि आज का दिन बहुत खराब है, तुम घर से बाहर मत जाओ। लेकिन दोस्तों मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ, मैं अपनी कार लेकर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ। दोस्तों कार लेने के बाद निकलने के बाद हम लोग ड्रिंक करते हैं साथ में, और ड्रिंक करने के बाद इतनी ड्रिंक कर लेते हैं कि दोस्तों मैं गाड़ी काफ़ी स्पीड में चला रहा होता हूँ और एक मोड़ आ जाता है। मोड़ आने के बाद मेरी गाड़ी पलटी जाती है। दोस्तों पलटी खाने के बाद आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी की हालत ये बहुत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों मेरे घर वाले पहुँचते हैं मेरी गाड़ी के पास, उनको पता चलता है कि तुम्हारे बच्चे ने गाड़ी पलटा ली है। तो दोस्तों वो पहुँचते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं उनको नहीं मिलता क्योंकि मुझे कुछ लोग यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके आ जाते हैं। दोस्तों मेरे घर वाले बहुत डर जाते हैं, पर उनको पता चलता है कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पर मेरी हालत देखने के बाद जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है और मेरे पापा बहुत टेंशन में आते हैं। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था मेरा जाना। दोस्तों मेरे मम्मी पापा के कर्मों से मैं आज जिंदा हूँ जो आप देख रहे हैं मुझे। और दोस्तों तो फिर मेरे घर वाले मुझे लेकर यहाँ पास में सबसे बड़ी सिटी है यहाँ पर झांसी, वहाँ झांसी हॉस्पिटल मुझे लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं 3 to 4 तक ये कोमा में रहेंगे और 3 to 4 तक कोमा में शायद आ सकते हैं कोमा से बाहर। तो दोस्तों मुझे होश नहीं आता है, लेकिन फिर भी सब लोगों की दुआ से, सबके आशीर्वाद से, मेरी फैमिली के और सब बड़ों के आशीर्वाद से मेरे को होश आता है सुबह 4 or 5 के टाइम पर। तो सब लोगों को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप अपने लाइफ में कभी भी अपने बड़ों की बात माने और अपने सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की बात तो हमेशा माने। दोस्तों अगर आप हमेशा अपने माँ बाप की बात मानेंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपके माँ बाप जो अपन ज़िंदगी जी रहे हैं, अभी जो पल अपन जी रहे हैं, जिस टाइम में अपन चल रहे हैं, वो लोग गुजर चुके हैं इस चीज़ से और वो चीज़ जी चुके हैं वो लोग। तो उनको सही गलत का अपन से ज़्यादा उनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। दोस्तों अपने माँ बाप की बात को हमेशा आप माने, हमेशा मान के चलेंगे दोस्तों, फायदे में रहेंगे, कभी मेरे ज़्यादा धक्का नहीं खाएंगे। भगवान ने मुझे बचा लिया क्योंकि मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म थे, मैंने तो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया नहीं है, उनने बहुत अच्छे कर्म किए, उनके वजह से मैं आज जिंदा हूँ जो आप मुझे देख पा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का दूसरी लाइफ मैंने जीना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मैंने सारे दोस्तों को राम राम कह दिया, ऐसा नहीं मैं मिलता हूँ बस बैठते हैं, लेकिन कोई गलत काम नहीं दोस्तों, सब छोड़ दिया मैंने। दोस्तों ये जो मेरा जीवन है मैं अपने माँ बाप को समर्पित करता हूँ, उनके लिए लाइफ में सब कुछ करूँगा, अच्छे से अच्छा करूँगा और उनको जितने भी ज़िंदगी के सुख हैं वो दूँगा जितना हो पाएगा मुझे, और मैं जितना भी कर पाऊँगा अपने माँ बाप के लिए मुझे अच्छा ही लगेगा। और दोस्तों मैं बस आपसे यही गुजारिश करता हूँ, आप जीवन में हमेशा अपने बड़ों की बात माने और खासकर अपने मम्मी पापा की बात हमेशा माने। अगर आप मम्मी पापा की बात मानेंगे दोस्तों तो मैं आपको लिख के देता हूँ आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। आप अगर मम्मी पापा की बात मानेंगे तो आप ज़िंदगी में दोस्तों अगर आप अपनी मम्मी पापा की बात मानेंगे तो आप हर फील्ड में सफल हो जाएंगे, आप जितनी भी फील्ड है सब फील्ड में आप सफल हो जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने मम्मी पापा की बात माने और अपने बड़ों की बात हमेशा मानते रहें, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो हम जीवन जी रहे हैं आज वो जीवन जी चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं और हम उस जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनको अपन से ज़्यादा तजुर्बा है, आप समझ सकते हैं ये चीज़ कि हम लोगों से ज़्यादा तजुर्बा हमारे बड़ों को है, जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें समझाते हैं कि बेटा क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा लास्ट में कि आप अपने बड़ों की बात हमेशा मानें। अगर आप अपने मम्मी पापा की बात हमेशा मानेंगे तो आप ज़िंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मुझे सपोर्ट मिले। दोस्तों मैंने ये चैनल बनाया इसीलिए है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं, और मेरा भी यही सोचना है कि अगर यूट्यूब में मेरी कुछ लाइन बनती है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों आप सबका सपोर्ट चाहिए, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं यूट्यूब में बना रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपका अगर सपोर्ट मिला मुझे, अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो पक्का मैं यूट्यूब में रहूँगा, और अगर आपका आशीर्वाद मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला, आपका भाइयों का बहनों का साथ मिला, तो दोस्तों मैं भी यूट्यूब में कुछ कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, राम राम आपके लिए।